जानमाल के नुकसान को लेकर प्रशासन अलर्ट। और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मुनि की रेती स्थित ढलवाला पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रहे सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने स्थानीय टीम के साथ मिलकर लोगों के घर घर जाकर सैकड़ों लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान युवाओं ने बीजेपी की सदस्यता को लेकर के दूसरे लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा बीजेपी से जोड़ने का संकल्प लिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी से जुड़ने के लिए देश के युवा लालायित नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्मीद 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं को बीजेपी से जुड़ने की है। और संगठन पर्व में समाज कार्यवर्ग को जोड़ने का हमने निश्चय किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते मैंने भी तय किया है कि मैं हर जिले के एक वार्ड में जाऊंगा, और आज मैं मुनि की रेती के वार्ड में पहुंचा हूं। बड़ी संख्या में जहां कार्यकर्ता सदस्य बने हैं, वहीं हमने डोर टू डोर जाकर समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने में काम किया। हमारे यहाँ के चेयरमैन है, हमारे नलिन भट्ट जी है, यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी है, सब लोगों के सहयोग से मैं कह सकता हूँ कि मुनि की रेती जो हमारी नगर पालिका है इसमें सर्वाधिक हमारे पार्टी के सदस्य बनेंगे। और अब इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तरकाशी से, जहां पर बारिश का तांडव लगातार जारी है। तो उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बारिश का तांडव जारी है और लगातार हो रही बारिश के कारण वरुणावत पर्वत से लगे गुफियारा पहाड़ी पर भूस्खलन हो गया है। विशेषज्ञों की टीम ने उत्तरकाशी पहुंचकर सर्वेक्षण भी शुरू कर दिया है। वहीं बारिश से होने वाले जानमाल के नुकसान को लेकर प्रशासन अलर्ट है। डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने जानकारी दी है मामले में, और एहतियात के तौर पर बफर जोन में रहने वाले परिवारों को किया गया स्थानांतरित। वहीं स्थानांतरित किए गए लोगों को मानसून तक सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। वहीं लोगों की मूलभूत सुविधा का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। शासन को भेजी गई जिला स्तरीय तकनीकी टीम द्वारा बनाई गई है रिपोर्ट, और शासन से उच्च कोटि की तकनीकी टीम भेजने का भी अनुरोध किया गया था। वहीं अनुरोध पर शासन द्वारा भेजी गई एक्सपर्ट की टीम और एक्सपर्ट टीम की रिपोर्ट पर आगे निर्णय लिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको उत्तरकाशी से दे रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश के कारण जो है वरुणावत पर्वत से लगे गुफियारा पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ था और बारिश ने यहां पर तांडव मचा के रखा है। तो 2003 के बाद इस बार इसमें एक अलग पॉइंट पे एक लैंडस्लाइड हुआ, तो वो लैंडस्लाइड बीच में उसका ओरिजिन हुआ और वो नीचे जो हमारी रेलिंग है उसके ऊपर तक ही आया। वो उसमें पेड़ टूटे, थोड़ा पत्थर थे, थोड़ा मिट्टी थी। तो चूंकि उत्तरकाशी में लगातार बारिश हो रही है, अब ये देखने में आ रहा है जो लैंडस्लाइड होने के बाद जो पत्थर और मलुआ और मिट्टी इकट्ठा थी वो बारिश के साथ थोड़ा नीचे बह के आती है। और प्रभावित इसमें क्या है कि बेसिकली हम लोग एहतियातन के तौर पे क्या करते हैं, जो बड़ावत के नीचे इधर गुफियारा वाला जो एरिया है उसमें कुछ लोगों के थोड़ा सा उससे दूर रहने वाले मकान हैं, तो उनको हम एहतियातन के तौर पे हमने ये निर्णय लिया कि वो लोग वहाँ इस बीच जब तक हमारा मानसून सीजन रहता है तब तक वहाँ ना रहें। हमने उनको समझाया भी, नोटिस भी दिया, उनके रहने खाने जो जहाँ रहना चाहता है उसके लिए व्यवस्था भी कर दी है। तो जब तक ये बारिश रहेगी तब तक हम लोग एहतियात इसमें बरतेंगे। उसके जैसे ही वरुणावत का मिड पॉइंट पर जो लैंडस्लाइड हुआ था उसके तत्काल बाद हम लोगों ने अपने जो जिला स्तर पर जो एक तकनीकी दल बनाया था उनको भेज दिया था। उनकी रिपोर्ट लेने के बाद हमने इसको फिर शासन को भेज दिया था और शासन से अनुरोध कहा था कि इसमें थोड़ा उच्च कोटि की तकनीकी टीम भेज दें। तो उसी के क्रम में शासन के द्वारा इसमें एक तकनीकी दल भेजा है जिसमें जीएसआई के एक्सपर्ट हैं और टीएचडीसी के एक्सपर्ट हैं और डिजास्टर जो मिटिगेशन सेंटर देहरादून में है उनके एक्सपर्ट हैं, प्लस जो हमारे यहाँ जियोलॉजिस्ट और जो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर वो भी हमने शामिल कर रखे हैं। आज वो टीम आई है, आज दिन में थोड़ा बारिश हो गई थी, अभी वो लोग काम कर रहे हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार ने स्टाम्प शुल्क में प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। कृषि कार्यों के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण पर
किसानों को अब स्टैम्प शुल्क अदा नहीं करना होगा। पहले ये सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। इस फैसले से किसान बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जो ऋण जो पहले उपलब्ध होता था वो केवल 3 लाख का उपलब्ध होता था, जिस पर कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता था, और अब लिमिट है उसकी बढ़ा करके उन्होंने 5 लाख तक का कर दिया है, जिस पर कोई स्टाम्प शुल्क अब नहीं है। तो मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार के द्वारा जो महिला किसानों को जो सहायता मिल रही है वो सभी बहनों के लिए लाभदायक है, चाहे उसमें बिना ब्याज का लोन हो, चाहे उपकरण खरीदने के लिए जो सहूलियत दी जा रही है उसमें भी छूट दी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। अब खेतों की सिंचाई के लिए नहरों के पानी पर लगने वाला सिंचाई कर भी माफ कर दिया गया है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि उपकरण खरीदने पर 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 2,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए पहली बार मंडुए का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, जबकि गन्ने का राज्य परामर्शित मूल्य यानी SAP भी 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। प्रदेश में गेहूं खरीद पर किसानों को MSP पर 20 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है। PM किसान सम्मान निधि के तहत आज राज्य के करीब 8 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। धामी सरकार का यह है संकल्प, सुखी रहे किसान, समृद्ध बने उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। संघ की शाखा में सरकारी कर्मचारियों को आने की अनुमति मिलने पर विपक्ष ने जहां सवाल खड़े किए हैं, वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष को भी संघ की शाखा में आने की सलाह दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि राष्ट्रवादी विचारों से जुड़ने के लिए विपक्ष और अन्य पार्टियों को भी शाखा में आना चाहिए। सरकार कुछ भी अच्छा कार्य करती है तो विपक्ष उसमें सवाल खड़ा करता है, लेकिन राज्य हित में, देश हित में राष्ट्रवादी विचारों से जुड़ने के लिए संघ की शाखा में आने से किसी को परहेज नहीं करना चाहिए। राष्ट्रवादी संगठन है और पहली बार लंबे कालखंड के बाद सरकारी कर्मचारियों की इच्छा थी कि हम प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए शाखा में जाएं, राष्ट्रवादी विचारों से हम लोग जुड़े, और भाव के साथ सरकार ने जो निर्णय, मैं इसका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा निर्णय है और प्रतिदिन प्रातः काल छुट्टी के दिन राष्ट्रभक्ति भाव के साथ शाखाओं में सबका जाना होगा। विपक्ष के लोग इसमें सवाल करते नहीं, विपक्ष तो हर विषय में सवाल खड़ा करता है। मैं तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि क्योंकि राष्ट्रवादी सोच से जुड़ने के लिए कांग्रेस के लोगों को, वामपंथी लोगों को शाखा में जरूर आना चाहिए। अन्य धर्म के लोग भी नाराज होंगे। नहीं, धर्म से क्या विषय है, धर्म के लोग तो सब लोग आएंगे, हर धर्म के लोग आएंगे, इनको राष्ट्रवादी बनना, वो संघ की शाखा में आए। और उधर ग्राम पूछड़ी का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। ग्राम पूछड़ी में विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन को लेकर के संयुक्त संघर्ष समिति ने बैठक की है। बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्राम पूछड़ी में 9 सितंबर को विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि वन ग्राम पूछड़ी कालू सिद्ध समेत अन्य क्षेत्रों में वन राजस्व और सिंचाई विभाग की तरफ से लोगों के आवास और दुकानों को तोड़ने पर रोक लगाने, मालिकाना हक दिए जाने और पुनर्वास की मांग को लेकर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम कर रहे हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में संघर्ष समिति के द्वारा जो तराई पश्चिमी वन प्रभाग के द्वारा जो पिछड़ी गांव वालों को जो नोटिस दिए गए बीजेपी को, उसके खिलाफ संयुक्त संघर्ष समिति ने 9 सितंबर को जो हमारे स्थानीय विधायक हैं माननीय दीवान सिंह जी, उनके कार्यालय का, उनका घेराव का निर्णय लिया है, क्योंकि माननीय विधायक जी ने जो बैठक में जो और IPS आयुष अग्रवाल ने जनपद तेरे के SSP का चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालने के बाद से SSP आयुष अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत की और जनपद टिहरी के लिए अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया है।
उन्होंने बताया है कि क्षेत्र में महिला सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक और आपदाग्रस्त इलाकों में क्विक रिस्पांस टीम को जल्द से जल्द भेजा जाए और भेजकर सहायता उपलब्ध कराना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता में शामिल है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जाए इस पर भी उनका पूरा फोकस रहेगा। जनपद के सभी थाना कोतवाली और चौकी में आने वाले फरियादी किसी भी प्रकार से निराश न हो इसके प्रयास भी किए जाएंगे। जनता का विश्वास पुलिस पर और ज्यादा बेहतर बने इसके लिए सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठनों से बैठक करके विचार विमर्श होगा। देखिए, आज मैंने टेरी जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और जो प्राथमिकताओं की बात की जाए तो महिला सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। कोई भी अगर इस प्रकार का मामला आता है महिला अपराध से संबंधित, उसमें त्वरित कार्यवाही की जाए, न्यायपूर्ण कार्यवाही की जाए, ये मेरे प्राथमिकता में रहेगा। जो दूसरी बड़ी समस्या है वो ट्रैफिक को लेकर है, स्पेशली जो हमारा प्लेन एरिया है, मुनि की रेती का क्षेत्र है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और जिस कारण से ट्रैफिक की समस्या होती है, तो उसके लिए सभी विभागों से समन्वय करके उसका जो भी सोल्यूशन बेस्ट पॉसिबल है वो किया जाएगा, लगाया जाएगा। नशे की समस्या भी रहती है, कुछ सप्लाईज वगैरह नेटवर्क रहता है तो उसको भी आइडेंटिफाई करके उस पर काम किया जाएगा। और जो नया प्रकार का अपराध साइबर अपराध चल रहा है जिसमें कि विक्टिम कहीं का भी हो सकता है, तो इवन हम लोग जैसे बात करते हैं कि पहाड़ों में भी काफी लोग इस प्रकार के विक्टिम बन रहे हैं, तो उनको कैसे त्वरित न्याय दिलाया जाए, उनका पैसा वापस दिलाया जाए और जो भी अपराधी हैं इनको पकड़कर वैधानिक कार्यवाही की। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कल्प है सुशासन का, अंतिम छोर तक समाधान और निराकरण का। अंत्योदय के पथ पर संकल्पित है उत्तराखंड सरकार, देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से बढ़ी डबल इंजन सरकार की रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक मजबूत प्रदेश के निर्माण हेतु इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पर जोर दिया जा रहा है। राज्य के GSDP में 25% की बढ़ोतरी उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाता है। अब राजस्व को दोगुना करने की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में तेजी से हो रहा है स्मार्ट विलेज का निर्माण। वोकल फॉर लोकल पर आधारित योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कर रही हैं। होम स्टे योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और बने हैं इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के नए कीर्तिमान। तकनीकी के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना, एम्स सैटेलाइट सेंटर और नए कॉलेजों की स्थापना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं के प्रशिक्षण पर खासा जोर दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार की शिकायतों को दर्ज करने के लिए 1064 ऐप, देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून, अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, CM डैशबोर्ड, CM हेल्पलाइन नंबर 1905 और सेवा का अधिकार उत्तराखंड सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही तय करता है। उत्तराखंड सरकार का वचन है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब सशक्त उत्तराखंड के निर्माण से बदल रही है तस्वीर, सवर रही है तकदीर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बाढ़ बारिश को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर प्रदेश भर में एक बार फिर से मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। तो उत्तराखंड में नहीं थम रही है बारिश और प्रदेश में मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और बारिश के तीव्र दौर की संभावना है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद में हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। उधर मैदानी क्षेत्रों में जलभराव और पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन जैसी आपदा से जूझ रहे हैं लोग। भारी बारिश के कारण कई संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं।
वहीं दूसरे दिन भी नहीं खुला ज्योतिर्मठ मलारी हाईवे। जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। प्रशासन द्वारा की जा रही है अपील, भारी बारिश में पहाड़ों पर न करें सफर, यह अपील की जा रही है और मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार ही सफर करने को कहा गया है। तो जहां एक बार फिर से मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है प्रदेश भर में, तो इसी के चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर से येलो अलर्ट बारिश का कई जिलों में जारी कर दिया है और जो लोग पहाड़ों में जाने की योजना बना रहे हैं उन्हें अभी कुछ समय तक के लिए यात्रा न करने की हिदायत दी गई है और मौसम का पूर्वानुमान जानने के बाद ही कहीं जाने की सलाह दी गई है। और रुड़की के सिविल अस्पताल में पिछले चार माह में 120 मरीजों में काला पीलिया यानी हेपेटाइटिस सी की पुष्टि हुई है। सभी मरीजों को अस्पताल में हेपेटाइटिस सी का इलाज मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और अन्य जिलों के मरीज भी बड़ी संख्या में काला पीलिया का इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। हेपेटाइटिस सी की बीमारी का इलाज यदि समय पर ना कराया जाए तो यह बीमारी एक भयंकर मोड़ ले लेती है और मरीज का बचना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। कार्यवाहक सीएमएस एके मिश्रा ने बताया मामले में कि काला पीलिया नाम सुनकर हर कोई चौंक जाता है क्योंकि ये ऐसी गंभीर बीमारी है। अस्पताल में इसका इलाज मिल रहा है लेकिन रुड़की सिविल अस्पताल में हेपेटाइटिस सी के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और यदि समय पर इलाज न होने के कारण रोगी का लीवर खराब होने लगता है अगर समय पर इलाज न मिले तो। को जो काला पीलिया जो लोकल भाषा में बोलते हैं क्योंकि ये हेपेटाइटिस सी जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है। इसका जो मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन या नीडल प्रिक या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। तो जो ज्यादा जो केस मिल रहे हैं इसका कारण है मेरे समझ से नीडल प्रिक अनहाइजेनिक कंडीशन में या जो रीयूजेबल जो सिरिंज होते हैं लोग उसका यूज करते होंगे या ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिकरेंट बार बार करने से भी ये इन्फेक्शन फैलता है। तो कारण जो मुझे समझ में अभी तक आ रहा है वो यही है कि या तो ब्लड से फैल रहा है ट्रांसफ्यूजन से या नीडल प्रिक से या अनसेफ मेजरमेंट से जो नीडल में करते हैं उससे होता होगा या थोड़े बहुत जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से अनसेफ सेक्स से होता होगा। इसलिए अभी चार महीने में तीन मेरे पास है अवेलेबल है डाटा। ये नए मरीज मई में 34 आए हैं, जून में 18 आए हैं, जुलाई में 37 आए हैं, अगस्त में 31। रानीपोखरी थाना क्षेत्र में जुलाई 2024 को ज्वेलर्स की दुकान से हुई चोरी का पुलिस और एसओजी ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी के आरोप में दो चोर और चोरी का माल खरीदने वाले एक ज्वेलर्स को गिरफ्तार किया है। चोरों के दो साथी अभी फरार हैं जिनकी तलाश में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा, एक चाकू, चार जिंदा कारतूस और आला नकब बरामद किया है। चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल में फेंकी गई आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी कब्जे में ले ली है। ज्वेलर्स के कब्जे से पुलिस ने एक किलो चांदी बरामद की है और आरोपियों की पहचान जो है वो लालू और कृष्ण कुमार निवासी शाहजहांपुर और गंगा सिंह निवासी खीरी और चपेटा सिंह निवासी शाहजहांपुर के रूप में हुई है, जबकि ज्वेलर्स को मुजफ्फरनगर निवासी अमित के रूप में पहचाना गया है। एसएसपी अजय सिंह ने इस पूरे मामले में बताया कि रानीपोखरी थाना प्रभारी संदीप कुमार, विक्रम नेगी, मनवर नेगी, रघुवीर कपुरवान और एसओजी प्रभारी निरीक्षक शंकर बिष्ट की पूछताछ में चोरों ने बताया कि वो सहसपुर में भी एक चोरी की वारदात को अंजाम पहले दे चुके हैं। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है ऋषिकेश से, जहां पर पार्किंग की जगह पर दुकानें खुलने का मामला सामने आया है। तो ऋषिकेश के तिलक रोड पर डॉक्टर कॉलोनी के सामने बन रहे कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में बना डाली कई दुकानें। पार्किंग में बनाई गई दुकानों की करोड़ों रुपये में बिक्री। ऋषिकेश की सबसे व्यस्ततम रोड जहां लगता रहता है जाम, अब क्या इस कॉम्प्लेक्स की पार्किंग तिलक रोड की सड़क पर होगी? माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिका नंबर 47 के उच्च न्यायालय के आदेश पर पार्किंग में कोई भी नहीं हो सकता है निर्माण।
माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि पार्किंग की जगह में कोई भी निर्माण हुआ तो ध्वस्त होगा। तिलर रोड पर बने कॉम्प्लेक्स में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का हुआ है उल्लंघन। बिना पार्किंग एमडीडीए मानकों के अनुसार नहीं बन सकता कोई व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स। तिलक रोड पर बने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में पार्किंग को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों और एमडीडीए के मानकों का खुला उल्लंघन हो रहा है। एमडीडीए को अपने मानकों और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का करना होगा पालन। और ऋषिकेश कार्यालय में तेज तर्रार सहायक अभियंता शशांक से इस व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स पर जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों और एमडीडीए के मानकों के अनुसार बड़ी कार्रवाई का इंतजार है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ऋषिकेश से, जहां पर तिलक रोड पर डॉक्टर कॉलोनी के सामने बन रहे कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में कई दुकानें बना डाली है, करोड़ों रुपए की बिक्री इसकी हो रही है। लेकिन सबसे व्यस्ततम रोड यह है जहां पर जाम लगता रहता है, पर ये एक तरीके से नियमों का उल्लंघन है। माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश है उसके खिलाफ भी ये काम किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, पहले हम दर्शकों को खबरें बताते थे कि अवैध निर्माण हुआ है, लोगों ने व्यवसायिक कॉलोनी बना ली है आवासीय नक्शा पास करा करके, अब ये पार्किंग वाली जगह भी नहीं छोड़ी जा रही है। और इसमें जैसे कि हमने दर्शकों को बताया कि करोड़ों की बिक्री हो रही है इन दुकानों की, तो पार्किंग के लिए वाहन कहां खड़े करेंगे लोग अगर इस तरीके से दुकानों का निर्माण हो जाएगा तो? मामला पूरा क्या है ये भी समझाइए और क्या इसमें कार्रवाई की गुंजाइश है? हाँ ज्योति, सबसे बड़ी बात है कि जो हम लगातार हम देखते हैं जनहिती खबरें चलाते रहते हैं और जो एक अवैध चीजें होती हैं जिससे कहीं ना कहीं आम जनता को नुकसान हो रहा, उस मुद्दे को हम रोज ही लगभग उठाते रहते हैं ना। आज भी स्थिति हम यही देख रहे हैं, ये तिलक मार्ग है यहाँ पर डॉक्टर कोहली हॉस्पिटल के, पूरा तिलक मार्ग पड़ता है और इस इतना व्यस्तम रोड्स है कि लगातार यहाँ पर जाम लगातार हम टीवी स्क्रीन में दिखा रहे हैं कितना जाम यहाँ पर रहता है, गाड़ियां निकलने की जगह नहीं होती। और यहाँ पर अगर कहें तो डॉक्टर कॉलोनी है, यहाँ पर उसके ठीक सामने एक कॉम्प्लेक्स बना है जो नीचे पूरी पार्किंग की व्यवस्था थी कि जो दुकानें हैं, फिर ऊपर उन्होंने फ्लैट्स भी बना दी, कई चीजें बना दी हैं कि उनके नीचे खड़ी हो जाती, लेकिन वो जगह भी उसने नहीं छोड़ी है और जितनी भी नीचे जगह थी वहां पर भी कई दुकानें बना दी हैं और वो करोड़ों रुपए में बेची जा रही है। मतलब एक कितना बड़ा नियमों का उल्लंघन है, जो वैसे ही व्यस्तम रोड है अपनी जगह पार्किंग बनाई, अब क्या वो गाड़ियां भी तिलक रोड पर खड़ी होंगी? तो मतलब ये स्थिति बनती जा रही है। और हम ये देखते हैं जो एमबीडी के मानक है उसमें स्पष्ट यह है कि जो भी व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनेंगे पहले उसमें नितांत जितने भी चीजें हैं, चाहे फ्लैट्स हो चाहे शॉप्स वगैरह हो कुछ भी हो, तो उनकी पार्किंग की व्यवस्था नीचे होगी तब ये नक्शा पास होता है। लेकिन कितना बड़ा लोगों का एक दिल बड़ा है किसी ना परवाह करते हुए, और इसमें एक जनहित याचिका भी डली थी, मैंने बताया 47 एक यहाँ जनहित मान्य उच्च न्यायालय थी, उसमें भी स्पष्ट आदेश है कि बिना पार्किंग के कोई कॉम्प्लेक्स बने और जो डिपार्टमेंट से जो पार्किंग पाई है अगर उसमें कोई निर्माण होता है तो उसको तत्काल ध्वस्त किया जाए। पार्किंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और मस्त है, पर लेकिन सब चीजों को उल्लंघन करते हुए माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, माननीय एमबीडी के मेनकों का आदेश, और उन्होंने उस पार्किंग में दुकानें बना दी। अब स्कूटर भी खड़ा होना का तो अंदर नहीं खड़ा सकता, वो भी बाहर खड़ा होगा, मतलब कोई गाड़ी आएगी तो वो भी रोड पर खड़ी होगी, पहले इतनी व्यवस्था मिला के। तो अब यही है कि कैसे लोगों के हौसले बुलंद हैं, मतलब एक करोड़ों रुपए लाखों रुपए मतलब कमाने के चक्कर में सारे नियमों को ताक पे रख रहे हैं। तो यही अब हमारी एमडीडीए से उम्मीद है, जो यहाँ के शशांक हैं, सहायक अभियंता हैं, बहुत से तारा लगातार वो कहीं ना कहीं जो ऐसा अवैध निर्माण होते हैं लगातार उन पर कार्रवाई भी करता था। अब यही देखना है जो पार्किंग व्यवस्था मिला के बन गया, पार्किंग नहीं छोड़ी, पार्किंग दुकानें बन गई है, अब इनके खिलाफ कब कार्रवाई होती है? क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का अभ्यास है और एमडीडीए के भी मानक है कि बिना पार्किंग के कोई भी व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता। अब हमें इस बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है ताकि अगर इसमें बड़ी कार्रवाई होगी तो और अन्य जगह जहां भी कॉम्प्लेक्स होंगे वो देखेंगे नजीर एक बनेगी कि नहीं वहां उन्होंने क्या कितना बड़ी कार्रवाई हुई है, और अन्य जो बनाएंगे वो देखभाल के बनाएंगे। इसलिए यहां अवैध बिल्डरों के इस टाइम बिल्कुल हौसले बुलंद हैं। बिल्कुल हौसले बुलंद तो दिख ही रहे हैं जिस तरीके से लगातार हम दर्शकों को खबरें बताते हैं, लेकिन यहाँ पर जानना यह भी जरूरी हो जाता है कि जो इस तरीके की खबरें आती हैं एमडीडी वाले मामले में, खासकर कभी व्यवसायिक, जैसे मैंने बताया कि आवासीय नक्शा पास करा करके व्यवसायिक बनाना, ये तमाम सारी खबरें जो आती है, तो इसमें कमी कहां पर रह जाती है? क्या एमडीडीए के मानक ऐसे हैं कि लोग उसका पालन कर ही नहीं पाते हैं, या फिर इसमें कोई पैसे की बात आती है कि उपहार लेकर के चलिए कोई बात नहीं, ढीले ढाले नियम है, बाद में देखा जाएगा
जाएगा, अभी तो अपना काम कर लिया जाए, इस तरीके का रवैया लोगों का हो गया है, या कानून व्यवस्था ढीली है, या फिर सजा लोगों को ठीक ठाक नहीं मिल रही है, पनिशमेंट जो है वो ठीक ठाक नहीं मिल रहा है, इसलिए लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं बाद में देखा जाएगा, तो कहां पर कमी पाई गई है, क्यों इस तरीके के मामले आते हैं? हाँ ज्योति, बड़ा आपका बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात है कि अगर हम कहें तो ये केंद्रीय अग्रसर डिपार्टमेंट है, बताया जाता है कि यहाँ कोई चपरासी भी है या थोड़ा सा बड़ा बहू भी है, वो भी लाखों करोड़ों रुपए का आदमी होता है, क्योंकि यहाँ पर नियमों का पालन होता नहीं है, ऊपर नीचे देके बिल्डिंगें बन जाती हैं, जब हल्ला उल्लाता थोड़ी बहुत कार्रवाई करके छोड़ दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है जब बिल्डरों ने देख लिया, अन्य लोगों ने देख लिया कि यहाँ छोटे मोटे सेटिंग करके जब काम हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि छोटे मोटे सेटिंग करा के उसमें लाखों रुपए की इनकम अपनी कमाई जाए ना, तो ये स्थिति बनी हुई है, तो इस चीज को हम लगातार उठाते थे। कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना होगा, जैसे कि हम भी दर्शकों को लगातार बताते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, नमस्कार। खाते पीते तो बहुत हैं पर आपकी सेहत